हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4। ठीक है, कक्षा 6 के बच्चों के लिए विज्ञान की ये वर्कशीट है जो आपके लिए 16 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट बच्चों बहुत ही इजी वर्कशीट है, जिसमें हम सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। इस बारे में आप पहले भी जानते हो, सजीव क्या होती हैं, निर्जीव क्या होती हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सो वर्कशीट को शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आप बच्चों को आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। वासु, क्या आपको विज्ञान की पिछली वर्कशीट में दिया गया काम याद है? हाँ दीदी, विज्ञान में हमें उन 10 चीजों के नाम लिखने थे जो हम अपने पिछले स्कूल में देख पाए थे और नए स्कूल में भी देखेंगे। तो बच्चे, हमने किया था ना सारी चीजों के नाम, हमने ब्लैक बोर्ड का नाम लिखा था, हमने चौक, सारी अध्यापिका अध्यापक सबके नाम लिखे थे जो आपके पिछले स्कूल में भी थे और स्कूल में भी आप देख पाओगे अगर आपका स्कूल चेंज हुआ है। क्या बात है वासु, अब हम एक खेल खेलेंगे। नीचे दो सारणी दी गई है, एक सजीव वस्तुओं के लिए, दूसरी निर्जीव वस्तुओं के लिए। आपके पास पहले से 10 वस्तुओं की सूची है। आप अपने पास से 10 और वस्तुओं के नाम लिखिए और नीचे दी गई सारणी के अनुसार उन्हें अलग अलग करके लिखिए। तो बेटा, आप जो है एक सूची बना सकते हो जिसमें आप सजीव और निर्जीव वस्तुओं के नाम लिख के उनको अलग अलग कर सकते हो, और यहाँ पे फिर आप उनको अलग अलग करके लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि सजीव वस्तुएं जो है वो कौन सी होंगी। तो देखिए, सजीव वस्तुएं और क्या होंगी, चूहा क्या होगा, सजीव, क्योंकि ये सांस लेता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या लिख सकते हो आप, पेड़, पेड़ भी सांस लेते हैं ना, तो पेड़ भी सजीव वस्तुएं हो जाएंगी। उसके अलावा देखिए मानव, यानी हम सांस ले रहे हैं, और लिखिए तितली। ठीक है, तितली क्या है, तितली भी सजीव है। उसके अलावा छिपकली आप लिख सकते हो, बहुत सारे हैं बेटा, जो भी नाम आपको अच्छे लगे वो सब आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए गाय, और क्या हो सकता है, मच्छर। ठीक है, गाय, मच्छर, और बेटा मक्खी, मक्खी हो जाएगा। ठीक है, मक्खी, और क्या हो सकता है, और आप लिख सकते हो बैल, ये भी क्या है, सजीव है। तो नाम लिखने हैं बेटा, ये सारे क्या हो गए, सजीव वस्तुओं की सूची हो गई। अब हम निर्जीव वस्तुओं की सूची बनाएंगे। निर्जीव वस्तुओं में देखिए स्कूल की घंटी, और क्या लिख सकते हो आप, पेन लिख दिया आपने, और पेंसिल हो गया। अपने चारों तरफ देखिए बेटा, ठीक है, और किताबें, आप किताबों से पढ़ रहे हो तो क्या हो जाएगा, किताब। उसके अलावा बेटे गिलास हो जाएगा, है ना, कुर्सी पे बैठे हो तो कुर्सी हो जाएगा, मेज हो जाएगा, और देखिए अलमारी हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो सकता है, साइकिल हो जाएगा,